बाबा बुल्ले शाह साहब के कदमों में मेरा घर है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी शायरी का आपको एक अच्छा सा शेर सुनाऊं। फुल्लां दा तू अतर बना, हाय हाय, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, वाह, फिर भी दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, फिर भी तेरी बो नहीं मुकरी, पहले अपनी मैं मुका। हम ये खिदमत खलक कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमें बड़ा सरूर आता है। अच्छा जी, क्या नाम है माशाल्लाह आपका? मेरा नाम वकार यूनस है जी। हम ये खिदमत खलक कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमें बड़ा सरूर आता है। अभी हमारी तकरीबन माशाल्लाह 6 साल सर्विस हो गई है, हमारी आई कोऑर्डिनेशन हमें बता देती है कि किसको रोकना है किसको नहीं। अब हमें एक बंदा आ रहा है फ्रूट लेके, हमें पता है कि वो एक सिटीजन है, जो सस्पिशियस होते हैं वो इस तरह नहीं आते, वो अल्लाह की तरफ से एक बंदे को, वो खुदा की तरफ से वो फन होता है। जब फील्ड में बंदा ड्यूटी करता है मुख्तलिफ एरियाज में, तो उसको ये पता चल जाता है कि किसको रोकना है किसको नहीं। ऐसे नहीं हमारे किसी को रोकते। अच्छा, वैसे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जिस किसी को यकीनन आप रोकते हैं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है जी, या उसके पास गाड़ी के कागज़ नहीं होते, या उसके पास लाइसेंस नहीं होता, या उसके पास और कोई कमी होती है जी। ये आपको मकनतीसी ये जादू कहाँ से आता है? ये बेसिक जो ट्रिक्स हैं हमें हमारी ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से। तो उसके अलावा जैसे फील्ड में बंदे का एक्सपीरियंस गुजरता जाता है, वो सीखने के मराहिल में रहता है इंसान सारी जिंदगी। बाबा बुल्ले शाह साहब के कदमों में मेरा घर है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी शायरी का आपको एक अच्छा सा शेर सुनाऊं। आप अच्छा सा नहीं, ज्यादा शेर सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ज्यादा सुनाइएगा जी। बाबा बुल्ले शाह साहब तो हम भी बड़े चाहने वाले हैं जी। जी बाबा जी, सरकार बंदे के मुतालिक बताते हैं एक शेर में, अपनी शायरी में वो कहते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, हाय हाय, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, वाह, फिर भी तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, फिर भी तेरी बो नहीं मुकरी, पहले अपनी मैं मुका। वाह वाह, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। सर देखें, हम भी इसी तरह के उन्हीं के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हीं की जो भी है क्राइम डेटा जो हमने मिला होता है, जो रूल और रेगुलेशन होता है हमारे जो कमांडेंट की तरफ से मिले होते हैं, वो हमने देखने होते हैं, उसके हिसाब से उनके बकौल हमने ये कार्रवाई करनी होती है। बिल्कुल सर, ताकि उसी में क्रिमिनल की निशानदेही होगी ना। हमें ये तो नहीं है कि हम कोई भी वाकया, कोई भी इंसिडेंट काम जो वाम है उनको कॉपरेट करना चाहिए हमारे साथ। मतलब अगर आप पुलिस डॉल्फिन वाले किसी को रोकते हैं तो उनको रुकना चाहिए, और जो आप डॉक्यूमेंटेशन उनसे मांगते हैं उनको दिखानी चाहिए। अगर कुछ हम किसी को कहते हैं कुछ, उनके भले के लिए कह रहे हैं ना। सही सही, हम अपने अपने लिए तो थोड़ी कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप रोकते हैं किसी को, कोई नहीं रुकता, फिर आप क्या करते हैं उनको? उसके पीछे भागते हैं, मतलब डॉल्फिन अपनी गाड़ी लेके उनको मशकूक देखते हैं। अगर वो मशकूक है तो ठीक है, अगर मशकूक है वट एवर नहीं है, तो फिर वो एक शहरी होगा, वो अपने अपने बकौल है ना, वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने अपने नजरिए के मुताबिक देखना होता है कि अगर वो मशकूक है तो फिर उसके पीछे जाते हैं, अगर मशकूक नहीं है फिर नहीं जाते।